Dear students, I hope everybody has watched my previous lecture. So in this lecture I will start a new topic, memory unit. So let us start. What is memory? So let us start the topic name as memory. So memory क्या होता है हम लोग का, जैसे हम लोग का जहाँ पे डाटा स्टोरेज होके रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी. तो स्टोरिंग एरिया ऑफ डाटा इज कॉल्ड मेमोरी. हियर स्टोरिंग एरिया ऑफ डाटा इज कॉल्ड मेमोरी. तो स्टोरिंग एरिया ऑफ डाटा इज कॉल्ड व्हाट, मेमोरी. जहां पे हम लोग का डाटा स्टोर होके रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी. आज ह्यूमन बींग्स का मेमोरी किस हिसाब से काम करता है, ब्रेन इज ए पार्ट ऑफ ए मेमोरी. तो हम लोग का ब्रेन में हर कोई चीज तो स्टोर नहीं होता है, होता है क्या, जैसे कि हम लोग 10 साल पिछले क्या किए थे उनको तो हम लोग याद भी नहीं रखे होंगे, अभी करेंटली क्या चल रहा है हम लोग याद रखे हैं. तो उसी हिसाब से द मेमोरी मीन्स व्हाट, द स्टोरिंग एरिया ऑफ डाटा इज कॉल्ड व्हाट, मेमोरी. जहाँ पे हम लोग का डाटा स्टोर होके रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी बोला जाता है. इट मे बी इन अ परमानेंट नेचर और इट मे बी इन अ टेम्पररी नेचर. जैसे कि हम लोग का ब्रेन को यूटिलाइज करता है, जैसे कि ब्रेन हम लोग का एक क्या लिया जाता है, मेमोरी लिया जाता है. तो ब्रेन जैसे कि हम लोग का नाम और एड्रेस पर्सनल डिटेल हमेशा याद रखते हैं, इसका मतलब क्या, वो हम लोग का परमानेंटली स्टोर हो गया है ब्रेन में. और कुछ कुछ चीजें जो कि हम लोग का टेम्पररीली स्टोर होता है. तो दिस टाइप ऑफ डाटा जैसे कि हम लोग टेम्पररीली स्टोर करते हैं डाटा, तो उसी प्रकार हम लोग का कंप्यूटर में भी डाटा दो टाइप का स्टोर होता है, आइदर वो टेम्पररी में स्टोर होता है और आइदर वो परमानेंटली स्टोर होता है. तो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ मेमोरी, स्टोरिंग एरिया ऑफ डाटा इज कॉल्ड व्हाट, मेमोरी. डाटा हम लोग को जहाँ पे स्टोर होकर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी बोला जाता है. तो हियर क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, मेमोरी का क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे. तो मेमोरी इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, मेमोरी इज क्लासिफाइड टू टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी, देन अनदर इज योर सेकेंडरी. तो मेमोरी आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, वन इज योर प्राइमरी मेमोरी, अनदर इज योर सेकेंडरी मेमोरी. तो प्राइमरी मेमोरी अगेन क्लासिफाइड मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, वन इज योर मेन मेमोरी, अनदर इज योर कैसे मेमोरी. देन अगेन मेन मेमोरी इज क्लासिफाइड इन टू टू टाइप्स, वन इज योर रैम, अनदर इज योर रोम. क्लियर, देन रैम क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, एस रैम, अनदर इज योर व्हाट, डी रैम. Then ROM are classified into three types, ROM, EEPROM, double EEPROM. Clear? Then secondary memory. Secondary memory, first one, magnetic tag. Then next one, magnetic disk. Like SDD, FDD. Clear? Then next, optical disk. CD, DVD. Then next, flash memory. Clear? So flash memory are divided into two types, pen drive and memory.
मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। ओके, तो हम लोग मेमोरी किसको बोलते हैं? द स्टोरिंग एरिया ऑफ डाटा इज कॉल्ड व्हाट? मेमोरी। इट इज परमानेंट इन नेचर और टेम्पररी इन नेचर। जैसे कि हम लोग पर्सनल डिटेल्स हमेशा जिंदगी भर याद रखेंगे, लेकिन कुछ कुछ चीज है जो कि हम लोग वर्किंग करने के टाइम में याद रखते हैं, आफ्टर एक महीना या दो दिन तीन दिन के बाद हम लोग उसको क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो उसी तरह तो कंप्यूटर में भी मेमोरी हम लोग का दो टाइप्स का है, एक प्राइमरी मेमोरी है और एक सेकेंडरी मेमोरी है। तो बोल रहा है प्राइमरी मेमोरी, विदाउट एनी प्राइमरी मेमोरी द कंप्यूटर कैन नॉट बी एग्जीक्यूट, बट सेकेंडरी मेमोरी ऑल्सो नोन एज योर एक्सटर्नल मेमोरी है कि एक्सटर्नल मेमोरी और यह इज योर इंटरनल मेमोरी। तो मेमोरी आर डिवाइडेड इन टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज योर प्राइमरी, अनदर इज योर व्हाट, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी इसलिए बोला जाता है, ये जो कुछ पार्ट्स है हम लोग का हमेशा रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर, विदाउट दिस पार्ट कंप्यूटर कैन नॉट बी फंक्शन एट एनी थिंग्स। बट इंटरनल मेमोरी में और एक पार्ट आता है जो कि सेकेंडरी का है, जिसे हम लोग बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव का जो हार्ड डिस्क है। बाकी जो रेस्ट है मेरा एक्सटर्नल मेमोरी है। एक्सटर्नल मेमोरी मतलब व्हेनेवर रिक्वायर्ड यूजर कैन बी इंसर्ट आफ्टर वर्क इट कैन इजीली रिमूव। मतलब अभी मेरे पास पेन ड्राइव नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो डाटा टाइप नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इजीली टाइप कर सकता हूँ, लेकिन उस डाटा को मैं और एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर के थ्रू नहीं ले पाऊंगा, जैसे कि पेन ड्राइव में हो। तो इसीलिए हम लोग सेकेंडरी मेमोरी को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी का मतलब होता है व्हेनेवर रिक्वायर्ड यूजर कैन इंसर्ट आफ्टर वर्क इज फिनिश्ड इट कैन इजीली रिमूव। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि मेरे पास पेन ड्राइव होगा तो जाके मैं वर्ड हो या एक्सेल हो, पावरपॉइंट हो या एसएस हो या इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करना चाहता हूँ या अपलोड करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, या मेरे पास मेमोरी कार्ड रहेगा तो जाके मैं कुछ डाउनलोड कर पाऊंगा या अपलोड कर पाऊंगा। क्योंकि हम लोग का आजकल एंड्रॉइड फोन में हम लोग का इंटरनल मेमोरी है, तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग कोई भी अभी हम लोग क्या यूज मेमोरी कार्ड यूज नहीं कर रहे। ओके, प्राइमरी मेमोरी इज योर इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी मतलब यू मस्ट रिक्वायर योर प्राइमरी मेमोरी इन योर सिस्टम, विदाउट एनी प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर कैन नॉट बी फंक्शन एट एनी थिंग्स। तो प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी का भी एक पार्ट है जो कि इंटरनल है, जैसे कि हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में हम लोग का एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइवर मिल रहा है अभी, लेकिन उसके अंदर और एक तो हार्ड डिस्क रहता है। हार्ड डिस्क में क्या होता है, हम लोग का जैसे डाटा स्टोरेज होता है, कुछ फाइल बनाए हैं या कुछ इमेज इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं या कुछ फिल्म्स डाउनलोड किए हैं या कुछ MP3 डाउनलोड किए हैं, वो जो कुछ हम लोग जो भी कुछ डाउनलोड किए हैं वो कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, हम लोग का हार्ड डिस्क में स्टोर हो रहा है। क्लियर हो गया? तो मेमोरी आर क्लासिफाइड इनटू व्हाट, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग कौन सा मेमोरी बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्यों बोला जाता है प्राइमरी मेमोरी, इट इज नोन एज योर व्हाट मेमोरी, मेन मेमोरी। वहीं पे लिखा हुआ है प्राइमरी मेमोरी, अदरवाइज नोन एज योर व्हाट, मेन मेमोरी। देन नेक्स्ट इट इज फास्टर दैन योर सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो प्राइम कौन दोनों में से प्राइमरी सेकेंडरी में कौन सा फास्टर है, प्राइमरी मेमोरी मेरा क्या है फास्टर मेमोरी एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, प्राइमरी मेमोरी इट इज नोन एज योर व्हाट, मेन मेमोरी। देन नेक्स्ट इट इज योर इंटरनल मेमोरी, इट इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। इट इज वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, इट इज वर्किंग मेमोरी ऑफ द व्हाट, कंप्यूटर। ए कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी, जैसे कि पहले बोल चुका हूँ, ए कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी। तो हियर इज द डेफिनेशन अबाउट व्हाट आर द रोल्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, व्हिच वन अमंग दिस प्राइमरी मेमोरी इज व्हाट, फास्टर मेमोरी। विदाउट एनी प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर कैन नॉट बी फंक्शनल,
देन इट इज अदरवाइज नोन एज व्हाट मेमोरी मेन मेमोरी ओके देन इट इज अदरवाइज नोन एज व्हाट इंटरनल मेमोरी और एक्स सेकेंडरी मेमोरी अदरवाइज नोन एज व्हाट मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी क्लियर तो देन नेक्स्ट कम टू द मेन मेमोरी क्लियर तो मेन मेमोरी आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स तो क्या है आप लोगों का मेन मेमोरी आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स क्या क्या है रैम एंड रोम तो रैम divided into two types S RAM and another is your what D RAM here ROM are classified into three types first ROM EEPROM then double EEPROM okay so here RAM stands for random Access memory. It is otherwise known as your what? Read write memory. ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Main memory बोलते हैं और read write memory बोलते हैं. The next come to the जो main memory में हम लोग को दो टू पार्ट है. RAM है और ROM है. तो random access memory. ये जो which type of memory? Read राइट मेमोरी रीड बोथ रीड और राइट मेमोरी होता है तो कब यूज किया जाता है क्या यूज किया जाता है तो रैम क्या होता है हम लोग का प्रोसेसर के साथ वर्किंग करने के टाइम में यूज किया जाता है प्रोसेसर के साथ वर्किंग करने के टाइम में यूज करते हैं डाटा प्रोसेसिंग करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं प्रोसेसर यूज करते हैं तो प्रोसेसर के साथ मिलकर हम लोग का वो क्या करता है वर्किंग करता है जैसे कि हम लोग कुछ टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर में या कुछ म्यूजिक सुन रहे हैं या कुछ देख रहे हैं वीडियो वो सब कुछ जो भी कुछ डिस्प्ले हो रहा है वो रैम की वजह से हो रहा है तो इसको बोला जाता है रैंडम एसेस मेमोरी इज यूज फॉर बोथ रीड एंड राइट पर्पस के लिए यूज किया जाता है ठीक है देन नेक्स्ट इट इज योर व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी वोलाटाइल टाइप ऑफ मेमोरी हाउ डू वी मीन वोलाटाइल एंड रॉम इज योर नॉन वोलाटाइल टाइप ऑफ मेमोरी तो वोलाटाइल मतलब क्या होता है जैसे कि हम लोग अभी कुछ काम कर रहे हैं अभी सपोज कुछ कंप्यूटर में काम कर रहे हैं पावर सप्लाई ऑफ हो गया कि सपोज मेरा सिस्टम बंद हो गया तो जो भी कुछ डाटा हम लोग टाइप किए थे वो सब हम लोग का इरेज हो गया व्हाई इरेज हो गया इज योर व्हिच टाइप ऑफ मेमोरी वोलाटाइल इट डजंट स्टोर एनी टाइप ऑफ डाटा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन मतलब जब हम लोग कुछ काम कर रहे हैं उसका कैपेसिटी नहीं है डाटा स्टोरेज करने के लिए सिर्फ प्रोसेसर के साथ वर्किंग करने के लिए हम लोग रैम यूज करते हैं लेकिन उसका कैपेसिटी नहीं है डाटा स्टोरेज करने के लिए हम लोग कुछ भी जो डाटा स्टोरेज करते हैं हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी का जो हार्ड डिस्क था वहां पे जाके स्टोरेज होता है सिर्फ वो हम लोग को काम करने के टाइम में कंप्यूटर में वर्किंग करने के टाइम में एक मेमोरी चाहिए उस मेमोरी को कुछ भी हम लोग लिखे या डिस्प्ले कराना चाहते हैं तब हम लोग को एक मेमोरी चाहिए कौन सा मेमोरी चाहिए वो रैम है इसीलिए बोला जाता है रैम इज व्हिच टाइप ऑफ मेमोरी वोलाटाइल टाइप ऑफ मेमोरी वोलाटाइल मींस इट डजंट स्टोर एनी टाइप ऑफ डाटा व्हेनेवर द पावर सप्लाई इज ऑफ और ऑन पावर सप्लाई ऑफ हो गया तो जो भी कुछ डाटा या कंटेंट हम लोग लिखे थे वो हम लोग को वापस रिटर्न बैक नहीं पा सकते हैं तो इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी डिस्प्ले मेमोरी बोला जाता है डिस्प्ले मेमोरी इसलिए बोला कुछ लिख रहे हैं या डिस्प्ले कराना है या कुछ टाइप कर रहे हैं किसके थ्रू दिख रहा है वो रैम के वजह से दिख रहा है क्लियर तो रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एसेस मेमोरी इज व्हिच टाइप ऑफ मेमोरी वोलाटाइल टाइप ऑफ मेमोरी वोलाटाइल का मतलब क्या होता है वो भूल जाता है फर्कट जैसे कि पावर सप्लाई ऑफ हो गया तो जो भी कुछ कंटेंट हम लोग टाइप किए थे वो सब कुछ क्या हो जाएगा इरेज हो जाएगा ठीक है बट इट इज रॉन्ग इज व्हिच टाइप ऑफ मेमोरी नॉन वोलाटाइल टाइप ऑफ मेमोरी तो हियर इट इज यूज फॉर इट इज डिस्प्ले मेमोरी इसको हम लोग क्या बोलते हैं डिस्प्ले मेमोरी भी ही बोलते हैं ठीक है देन नेक्स्ट कम टू द टू टाइप्स ऑफ रैम एस रैम एंड
डी रैम, क्लियर? तो क्या क्या पहले फिर अभी एस रैम और डी रैम। तो रैम स्टैंड फॉर वर रैंडम एसेस मेमोरी, क्लियर? रैम स्टैंड फॉर वर रैंडम एसेस मेमोरी। तो रैम आर टू टाइप्स, एस रैम एंड डी रैम। तो एस स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एसेस मेमोरी। यह डी रैम इज यूज फॉर, बट डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैंडम एसेस मेमोरी। क्लियर हो गया? तो दोनों में अंतर क्या है? तो फर्स्ट वन स्टैटिक रैम। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय स्टैटिक? द वर्ड स्टैटिक इंडिकेट्स दैट द मेमोरी रिटेन्स इट कंटेंट्स एज लॉन्ग एज पावर रिमेन्स अप्लाई। स्टैटिक का मतलब होता है इट हैज लार्जर डाटा लाइफ टाइम, देयर इज नो नीड टू रिफ्रेश। कंटिन्यूअसली हम लोग को बार बार रिफ्रेश करने का जरूरत नहीं है। इट हैज लॉन्गर डाटा लाइफ टाइम, इट इज फास्टर एज कंपेयर टू डी रैम, एंड इट इज लार्जर इन साइज, हायर पावर कंजम्पशन। तो स्टैटिक रैम का मतलब बोला जाता है इट हैज लॉन्गर डाटा लाइफ टाइम, देयर इज नो नीड टू रिफ्रेश कंटिन्यूअसली, इट इज फास्टर एज कंपेयर टू व्हाट डी रैम। तो उसका मतलब स्टैटिक रैम का मतलब क्या हो गया? द वर्ड स्टैटिक इंडिकेट्स दैट द मेमोरी रिटेन्स इट्स कंटेंट एज लॉन्ग एज पावर रिमेन्स अप्लाइड। तो हम लोग को एस रैम का क्या क्या हो गया? इट हैज लॉन्गर डाटा लाइफ टाइम। तो डी रैम से ज्यादा लॉन्गर लाइफ टाइम का डाटा हम लोग का स्टोर होकर हो सकता है कहाँ पे? एस रैम में। देयर इज नो नीड रिफ्रेशिंग कंटिन्यूअसली, इट इज फास्टर एज कंपेयर टू व्हाट एस रैम। तो उस बार हम लोग कहाँ पे जाएंगे? डायनामिक रैम में जाएंगे। तो इट मस्ट बी कंटिन्यूअसली रिफ्रेश इन ऑर्डर फॉर इट टू मेंटेन द डाटा। हम लोग का क्या होता है, उसके अंदर एक सिस्टम रहता है जो कि बार बार कंटिन्यूअसली हम लोग को क्या करता है, रिफ्रेशिंग कराता है। बिकॉज तो उसी तरह एस रैम क्या है हम लोग का? लंबा डाटा लाइफ टाइम है। तो डी रैम में हम लोग का क्या होता है? इट हैज शॉर्टर डाटा लाइफ टाइम। तो नीड टू रिफ्रेश कंटिन्यूअसली, डी रैम को बार बार हम लोग को क्या करना पड़ता है? रिफ्रेश करना पड़ता है। स्लोअर एज कंपेयर टू व्हाट एस रैम, वो स्लोअर थोड़ा कम है, स्लो प्रोसेसिंग है एज कंपेयर टू क्या? एस रैम, बिकॉज इट इज लेस एक्सपेंसिव, तो थोड़ा लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है, लेस एक्सपेंसिव एंड लेस पावर कंजम्पशन। इसमें क्या होता है? लेस पावर कंजम्पशन होता है। क्लियर हो गया? तो स्टैटिक का मतलब होता है जो कि लंगर डाटा लाइफ टाइम तक हम लोग का स्टोर होता है। डायनामिक में हम लोग का क्या होता है? वो शॉर्टर लाइफ टाइम तक डाटा स्टोर करता है और रिफ्रेश पीरियडिकली हम लोग को करना पड़ता है। बार बार हम लोग को उसको क्या करना पड़ता है? रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। तो देन नेक्स्ट कम टू द रोम। It stands for what? It stands for read only memory. It stands for read only memory. Okay. So it is which type of memory? Non-volatile type of memory. Non-volatile type of memory. Non-volatile type of memory मतलब when your power supply is on or off, whatever may be written in your content,
यू आर रॉन्ग, नॉट चेंज और नॉट डिलीटेड। तो रॉन्ग कब यूज करते हैं? रॉन्ग जब हम लोग का वोटिंग प्रोसेस के लिए यूज करता है, जैसे कि हम लोग का बायोस्टिप। बायोस्टिप मतलब होता है हम लोग का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो बायोस्टिप जैसे कि हम लोग एक पावर सप्लाई ऑन किए, पावर सप्लाई ऑन किए, फिर सीपीयू का स्विच ऑन किए, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग का लोडेड हुआ है, फर्स्ट हम लोग का क्या होता है बूटिंग प्रोसेस में, सेकेंडरी मेमोरी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोडेड होता है। वो लोडेड होने के बाद वो फॉरवर्ड करता है रैम में, रैम उसके बाद फिर हम लोग को डिस्प्ले करता है जो भी कुछ कंटेंट है। तो रॉम हम लोग का स्पेशली बूटिंग प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। एक चिप मैन्युफैक्चरिंग टाइम में कंपनी मदरबोर्ड के साथ अटैच करके हम लोग को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो रॉम से हम लोग का क्या है, चिप है जो कि मैन्युफैक्चरिंग टाइम में मदरबोर्ड के साथ अटैच होकर हम लोग का आता है। तो रॉम स्पेशली हम लोग का यूज किया जाता है बूटिंग प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। बूटिंग प्रोसेस मतलब क्या बोला, जैसे कि हम लोग पावर सप्लाई ऑन किए, तो पावर सप्लाई जब ऑन की जितना सारा डिवाइस हम लोग का कनेक्ट है उसमें सप्लाई हो गया पावर, फिर उसके बाद या जो भी उसके बाद हम लोग का जो ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एसडी बोला जाता है, जैसे कि हम लोग का विंडोज 10 हो या विंडोज 7, जो भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हम लोग का कहाँ पे स्टोर होता है, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। सेकेंडरी मेमोरी से वो फॉरवर्ड करता है हम लोग का कौन सा मेमोरी में, मेन मेमोरी में हम लोग को फॉरवर्ड करता है रैम, तो उसके बाद हम लोग का डिस्प्ले हो जाता है। तो स्पेशली हम लोग का रोम यूज किया जाता है बूटिंग प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है, जो विच टाइप ऑफ मेमोरी, नॉन वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी, क्लियर। तो देन नेक्स्ट, रोम आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, रोम आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, व्हाट फ्रॉम EEPROM, then double EEPROM। तो इसको बोला जाता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको बोला इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। This one is used electrically erasable programmable read only memory। तो तीनों में अंतर क्या है? ROM जैसे कि मैं बोला manufacturing time में एक चिप रहता है जो कि मदरबोर्ड के साथ अटैच होते हम लोग का आता है। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में क्या होता था, जब जो भी कुछ उसमें कंटेंट है, जो भी कुछ डाटा दिया जाता था उसको हम लोग क्या नहीं कर सकते थे, इरेज, रॉम में हम लोग उसको इरेज नहीं कर पाते। तो प्रोम में हम लोग क्या कर सकते, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें क्या होता है, एक ब्लैंक रोम लाए उसमें या प्रोम लाए उसमें हम लोग क्या करें, कंटेंट एक ऐड किए, प्रोग्राम ऐड किए, तो उसको बोला जाता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्योंकि रॉम का मतलब बोला जाता है नॉन वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी, मैन्युफैक्चरिंग टाइम में उसमें जो भी कुछ कंटेंट दिया गया है वो हम लोग का फिक्स है, यू कैन नॉट ऐड और डिलीट ए न्यू कंटेंट, हम लोग उसमें कुछ ऐड भी नहीं कर सकते हैं या उसमें कुछ हम लोग डिलीट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसी तरह बोला है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या है, वो एक ब्लैंक रोम लाए उसमें हम लोग कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो लेकिन कितना बार प्रोग्राम कर पाएंगे, एक ही बार हम लोग उसमें प्रोग्राम कर पाएंगे। तो ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ तो उसके बाद हम लोग का क्या जनरेट हुआ, EEPROM जनरेट हुआ। EEPROM मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो उसमें जो भी कुछ कंटेंट था उसको हम लोग पुराना वाला कंटेंट को इरेज करके एक नया कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो उसी तरह उसको बोला जाता है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का मतलब हो गया
जो भी कुछ रोम का चीज था वो ब्लैंक हम लोग लाए, उसमें हम लोग जो नया कंटेंट ऐड करना चाहते थे वो हम लोग नया कंटेंट ऐड कर पाए। कितना बार ऐड कर पाएंगे? एक बार ऐड कर पाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट में बोला गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का मतलब होता है वो जो कुछ रोम में जो कंटेंट था उसको हम लोग इरेज करके भी दोबारा नया कंटेंट ऐड कर सकते हैं बाय थ्रो अल्ट्रा वायलेट लाइट। देन यहीं पे आया हम लोग का इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बाय सप्लाइंग सुटेबल इलेक्ट्रिक करेंट हम लोग जितना बार चाहें उतना बार उसके अंदर नया वो कंटेंट ऐड कर सकते हैं, मतलब पुराना कंटेंट को डिलीट करके नया कंटेंट हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं बाय सप्लाइंग सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिक करेंट। क्लियर? तो हियर इज योर मेन मेमोरी आर टू टाइप्स रैम एंड रोम। रैम आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स स्टैटिक एंड डायनामिक। देन रोम्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स प्रोम ईप्रोम एंड व्हाट डबल ईप्रोम। देन नेक्स्ट प्राइमरी मेमोरी का हम लोग पढ़ेंगे कैसे मिलेगा वो क्या होता है। ये हम लोग का बोला जाता है सीपीयू मेमोरी, और जितना सारा मेमोरी है सबसे फास्टेस्ट मेमोरी हम लोग का है कैसे मेमोरी। तो क्या बोला जाता है इसको कैसे मेमोरी, जिसको बोला जाता है सीपीयू मेमोरी, जो कि हम लोग का प्रोसेसर के साथ पहले से अटैच होके आ जाता है। तो इसको बोला जाता है सीपीयू मेमोरी, या सब जितना सारा मेमोरी है सबसे हम लोग का क्या है फास्टेस्ट मेमोरी। कैसे काम करता है? ये जो मेन मेमोरी है सपोज मेन मेमोरी यहीं पे प्रोसेसर और बीच में हम लोग का रहता है कैश मेमोरी, ठीक है। तो फास्ट जो भी कुछ हम लोग डाटा देते हैं वो प्रोसेसर जो भी कुछ डाटा प्रोसेसिंग करता है वो पहले कैश मेमोरी में जाता है, फिर कैश मेमोरी हम लोग का मेन मेमोरी। तो जैसे बोला जाता है कुछ हम लोग डाटा दिए उसका एड्रेस, जो भी कुछ डाटा दिए उसको फर्दर यूटिलाइज करने के लिए या जो भी कुछ करने के लिए उसका एक एड्रेस कैलकुलेट होता है। वो जो वो एड्रेस कैलकुलेट होता है वो एड्रेस कैलकुलेशन होने के बाद वो कैसे मेमोरी में हम लोग का स्टोर होता है। जब हम लोग इन हाउ इंस्टेंस फ्यूचर में हम लोग को उस डाटा को रिकॉल करना है या कुछ वापस दोबारा यूटिलाइज करना रहेगा तो फर्स्ट वो क्या करेगा कैसे मेमोरी में जाके उसको ढूंढेगा इजीली फाइंड आउट करने के लिए जो उसका एड्रेस था डाटा कैलकुलेशन करके जो भी एड्रेस कुछ रखा था उसको हम लोग को क्या करते हैं कैसे मेमोरी में रखते हैं। वो चीज को कुछ कैसे मेमोरी में नहीं है तो जाके वो हम लोग का मेन मेमोरिया रैम से ढूंढते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सीपीयू मेमोरी भी बोलते हैं, और ये हम लोग का फास्टेस्ट मेमोरी है। जितना भी सारा मेमोरी सबसे वो फास्ट मेमोरी है, क्यों तो कैसे काम करता है मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में वो क्या करता है कैसे मेमोरी काम करता है। तो जो भी कुछ हम लोग पढ़े ऑल आर बिलोंग्स टू योर व्हाट प्राइमरी मेमोरी एंड इट इज योर इंटरनल मेमोरी। विदाउट एनी प्राइमरी मेमोरी द कंप्यूटर कैन नॉट बी एग्जीक्यूट और फंक्शन, ठीक है। जो भी कुछ हम लोग पढ़े प्राइमरी मेमोरी के बारे में रैम हो या रोम हो या स्टैटिक हो या डायनामिक हो और सब कुछ, मतलब स्टैटिक या डायनामिक मतलब ऐसा नहीं है मेरे को स्टैटिक रैम जो भी लगा होगा स्टैटिक और डायनामिक दोनों लगा, नहीं दोनों में से एक जो भी लगा होगा या जैसे कि प्रोम या ई प्रोम या डबल ई प्रोम, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग का प्रोम क्या होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ई प्रोम क्या होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो तीनों में से कोई सा एक रोम हम लोग का मदरबोर्ड में अटैच होके आया होगा, तीनों तो अटैच होके नहीं आया होगा। तो जब मैन्युफैक्चरिंग टाइम हम लोग को पता चला कि कौन सा मतलब रोम यूज करने से हम लोग का बेनिफिटेड रहेगी तो उसी हिसाब से हम लोग रोम यूज करते हैं। कैसे मेमोरी तो हम लोग का ऑलरेडी प्रोसेसर के साथ रहता है तो इसको बोला जाता है हम लोग का क्या मेमोरी सीपीयू मेमोरी। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, जो कि हम लोग का मैग्नेटिक टैप है, मैग्नेटिक मीडिया है, मैग्नेटिक डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, देन फ्लैश मेमोरी, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।